ये दिमाग में था ही नहीं पहली बात, क्योंकि मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स लिया था अपने 10th स्टैंडर्ड में, उसके बाद अपना 12th दिया, 12th देकर मैं इंटरेस्टेड था इंजीनियरिंग के, सो मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड लिया। बट कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 25,000 बच्चे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं घूम गया। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस नाम का एक डिसऑर्डर होता है आज के ज़माने में, मुझे हो गया, उसके कारण मैं फेल होने लगा। जब फेल होने लगा तो हेड वॉज डाउन इन शेम, दुखी था। पर आप नीचे तब देखते हैं जब आप लिखते भी हैं, तो वहाँ से मुझे राइटिंग मिल गई एंड उसके बाद मैंने लिखना चालू किया। तो लिखने ने ही मुझे फिर इंटरेस्ट लाया कम्युनिकेशन में एंड उसके कारण फिर PhD ग्रांट हो गई।